हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पहाड़। तो दोस्तों, जैसे कि आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमारे गाँव में पांडव लीला का आयोजन के बारे में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया था कि पांडव लीला होगी और जो जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो उन मीटिंगों में डिसीजन लिया गया था कि क्या क्या व्यवस्था होगी। फाइनली आज वो दिन आ गया है, आज से हमारे गांव में पांडव लीला का आयोजन शुरू हो गया है और आज से हमारे गांव में चहल पहल होनी शुरू हो जाएगी। चहल पहल में से तो रहती है, आज से मेरा गांव गांव नहीं लगेगा बल्कि शहर की तरह लगेगा क्योंकि आज से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ गाँव में होने वाली है। फिलहाल तो मैं घर में हूँ और थोड़ी देर में मैं उस लोकेशन में जाता हूँ जहाँ पर पांडव लीला का आयोजन हो रहा है। आज पांडव लीला का फर्स्ट दिन है, तो आज के दिन क्या क्या होता है, जो भगवान पांडवों के बाण रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, फिर उनकी पूजा होगी, आगे जो जो भी लीलाएँ होंगी वो आपको ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी मैं पांडव खली में आ रखा हूँ, मेरे पीछे आप पांडव खली देखिए कितने अच्छे डेकोरेट कर रखे हैं। ये देखिए, ये वही खली है जहाँ पर भगवान पांडव नृत्य करते हैं और अभी फिलहाल भगवान पांडवों के बाण बाहर निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं और जो इन बाणों का स्थान है वो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर ये बाण रहते हैं और इनको फिलहाल बाहर निकाला गया है। तो अब क्या है कि इन बाणों की पूजा की जाएगी, काफ़ी पवित्र बाण रहते हैं। तो चलो मैं आपको थोड़ा आगे घुमा लेता हूँ पांडव खली के आसपास में। आप मेरे पीछे मेरे गांव के लोगों को देख रहे होंगे, यहाँ पर देखने आ रखे थे। यहाँ पर आप काफ़ी सारी लकड़ियाँ देख रहे होंगे और लकड़ी के काफ़ी बड़े बड़े पीस, तो इनका यूज पांडव लीला में किया जाएगा सिर्फ आग सेंकने के लिए, और जो बारीक बारीक लकड़ियां हैं उनका यूज खाना बनाने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए किया जाएगा। और एक्चुअली में आजकल ठंड का सीज़न है ना, तो रात में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और पाला भी गिरता है, तो जो पांडव लीला देखने वाले लोग हैं उनके आसपास हम इन लकड़ियों को जगाएंगे। एक प्रकार से आप अगेठा कह सकते हैं, जैसे हमने कहीं पर आगे ठहर लगा दिया और उसके आसपास लोग बैठे रहेंगे पांडव लीला को देखने के लिए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सामने पर साउंड सिस्टम है जहाँ पर भगवान पांडव के बाण रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिलहाल ठीक किया जाएगा जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। अभी फिलहाल सारे पुत्रों को बाहर निकाला जा रहा है, फिर यहाँ पर चिड़ाई की जाएगी सीमेंट की। पांडवों के जो बाण रहते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और हमारे गांव में लगभग 13-14 सालों बाद पांडव लीला का आयोजन हो रहा है। तो जो बाण हैं उनमें से कुछ कुछ बाण सड़ गए हैं और जो सड़े हुए बाण हैं उनके जगह पर नए बनाए जाएंगे लकड़ी के ही। यहां पर देखिए, भगवान पांडवों के बाण तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि आप ये देखिए, जब ये बाण तैयार हो जाएंगे तो इनकी पूजा की जाएगी। लाल बाणों की पूजा के लिए बाणों को साफ किया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इन बाणों की सफाई की जा रही है। तो जब ये बाण अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे फिर पंडित जी इन बाणों की पूजा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, बाणों की पूजा शुरू हो गई है और बाणों का पंच स्नान किया जा रहा है। ये देखिए, पवित्र पवित्र की वजह से नहलाया जा रहा है बाणों को। दोस्तों, अभी मैं खाना खाने के लिए घर आ रखा था और थोड़ी देर में पांडव नृत्य शुरू होने वाला है। जो कैरेक्टर लोग हैं वो नृत्य करेंगे। पीछे आप गाना भी सुन रहे होंगे, भगवान पांडवों पर बना हुआ एक प्यारा सा गाना है। पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के पांडव खली में और मेरे पीछे देखे जो कैरेक्टर लोग हैं वो एकदम रेडी हैं नृत्य करने के लिए। ये देखिए, तो चलो आप पांडव नृत्य शुरू होने वाला है, तो वह आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा।
और आगे जो पांडव नृत्य होगा वो रात में होने वाला है। कुछ आप लोगों को देख रहे होंगे अपने अपने घर जा रहे हैं क्योंकि पांडव लीला इस समय के लिए खत्म हो गई है और अब जो भी होगी वो रात में होगी। वैसे पांडव लीला में चाय की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर देखिए सभी के लिए फिलहाल चाय बांटी जाएगी जो ये महिलाएं हैं और जो यहाँ पर अन्य लोग हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ जो पांडव लीला के करेक्टर हैं भगवान पांडव जिन पर अवतरित होते हैं ये पूड़ियाँ खा रहे हैं। ये देखिए और जो ये पूड़ियाँ हैं ना ये सबसे पहले बाणों पर लगाई जाती हैं। जब पांडव युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद जो करेक्टर हैं वो इन पूड़ियों को खाते हैं। तो अभी रात का समय है और हम खाना खाकर वापस फिर से पांडव गली में आ गए हैं। पांडव युद्ध देखने के लिए मेरे पीछे आप देखिए लाइटिंग की जबरदस्त व्यवस्था है यहाँ आप देख सकते हैं। और मेरे गांव के लोगों को भी आप देखिए कंबल बिस्तर वगैरह लेके आ गए हैं। ये देखिए ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है सारे के सारे पैक हो रखे हैं। और मेरी माँ को भी आप देखिए ये आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और पाला भी गिरता है तो ठंड से बचने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। आगे का जो पांडव नृत्य होगा वो फिर कल से होगा। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना एंड अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।